तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाएंगे खस्ता कुरकुरे नमक पारे। ये दो तरह के नमक पारे आज हम बनाने वाले हैं। ये देखिए कितने खस्ता और कितने अच्छे ये नमक पारे बने हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी मैदा, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून काली मिर्च और ये कस्तूरी मेथी क्रश करके हम इसको डालेंगे, और एक चम्मच अजवाइन इसको भी हम क्रश करके ले लेंगे। और ये नमक मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त डोट तैयार कर लेना है। ये देखिए ये डो बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद अब हम नमक पारे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम लोई को ले लेंगे और इसे चौकोर शेप में बेलकर बड़ा करेंगे। चौकोर शेप में बेलते हुए हम इसे बड़ा करेंगे। ये देखिए इसे चौकोर कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये फोल्ड होने में दिक्कत ना हो। अब हम इस पे लगाएंगे रिफाइंड ऑयल या घी, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। ये देखिए दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद इसे पलट कर फिर से ऑयल लगाएंगे और फिर से एक बार ऐसे मोड़ेंगे। ये देखिए, और इसको फिर से चौकोर शेप में बेलते हुए बड़ा करेंगे। अब फिर से एक बार ऑयल लगा के इसको डबल फोल्ड करेंगे। इस बार हमें इसे डबल फोल्ड करना है और अब लंबा लंबा ही इसको बेल कर बड़ा करेंगे। ये देखिए इस तरह लंबा लंबा हमें बेलना है। और अब इसे चाकू से छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। ये कट गए। अब हम इनको एक प्लेट में रख लेंगे। बाकी के बचे हुए नमक पारे भी हमें इसी तरह बनाकर तैयार करने हैं। इसी तरह से हम सारे नमक पारे बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छे खस्ता कुरकुरे ये नमक पारे बनकर तैयार हो जाएंगे। इन्हें हम सुबह शाम चाय के साथ कभी भी खा सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह हाथों से फैलाकर ऑयल लगाना है, वो लंबा लंबा बेल कर फिर से कट करना है। तो ये देखिए हमारे नमक पारे कट कर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको तलेंगे। एक एक करके हम इन्हें ऑयल में डालेंगे और मीडियम टू फ्लेम पर हमें इन्हें तलना है। ये देखिए अच्छे से चलाते हुए हम मीडियम टू फ्लेम पर इन्हें तलेंगे और ये बहुत ही अच्छे खस्ता बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें तलना है।
अच्छी तरह चलाते हुए हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये लेयर वाली नमक पारे बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम दूसरी तरह के नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक लोई लेंगे और सिंपली रोटी की तरह बेल लेंगे और अब चाकू से हम अपने पसंद के अनुसार पीसेस कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह के पीसेस बनाए हैं। आप अपने मनपसंद कैसे भी पीसेस बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इनको भी तल लेते हैं। तो ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक पारे। ये डालकर अब हम इनको भी अच्छे से चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर तलेंगे। ये देखिए, चलाते हुए हमें इन्हें तलना है। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इन्हें सेकना है। और ये हमारे नमक पारे सीकर तैयार हो गए हैं। इनको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको ये नमक पारे हमारे कैसे बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए, दोनों तरह के नमक पारे हैं। ये देखिए कितने खस्ता बने हैं। और ये लेयर वाले, ये भी बहुत ही खस्ता नमक पारे हमारे तैयार हो गए हैं।